आज मेरा इंस्टाग्राम बैन हो चुका है। मुझे सुबह ईमेल आया इंस्टाग्राम की तरफ से कि आपका अकाउंट बैन हो चुका है। हंसी भी आ रही है और बहुत ज़्यादा दुख था, क्योंकि मेरा 1 ईयर का वो मेहनत था। आप समझ सकते हो कि आप किसी चीज़ पर मेहनत करते हो, वीडियोस यार बनाते हो, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ होंगे और वो ही हट जाए तो कैसा लगेगा। तो गाइस, मेरा 1200 फॉलोअर्स था और अराउंड 400 के आसपास वीडियोस फोटोज था दोनों। इसका रीज़न ये है कि अगर आप कोई भी अनदर वीडियो, पहले तो इसका गाइडलाइंस देख लीजिए, ये है गाइडलाइंस, आप देख सकते हो ये गाइडलाइंस। इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, इस पर एक बार भी बात आया था कि ये दोनों बंद होने वाला है, क्योंकि इस पर हमारे भारत सरकार ने एक रूल्स बनाया था कि आप इस गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा तो मैं आपको रखूँगा, वरना आपको बैन करना होगा, तो इंस्टाग्राम ही बैन होगा। तो गाइडलाइंस बहुत सारे यूजर्स नहीं समझ पाए और हम भी नहीं समझ पाए, उसमें से हम भी हैं। तो गाइडलाइंस ये था कि आप अगर इंस्टाग्राम पर आपको, अगर आप कोई भी अनदर पर्सन पर कोई फेक वीडियो या फिर कोई ऐसा वीडियो जो देखने लायक नहीं हो, वो वीडियो अगर आप शेयर करते हो या फिर पोस्ट करते हो, तो आपका आईडी बंद हो सकता है, आपके आईडी पर डिसेबल हो सकता है। सो गाइस, मेरा एक फ्रेंड था और उसका भी बैन हो चुका था, और पता नहीं वो क्यों किया कि हमको पता नहीं था, और वो हमको व्हाट्सएप पर वो वीडियो भेजा और बोला कि आप हमको मैसेंजर पर सेंड करो इंस्टाग्राम पर। हम बोला कि कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम सेंड कर दिए। सो उसकी वजह से मेरा आईडी गया जी हाँ। और आपको बता दूं कि जस्ट मैंने मैसेज वो उसको भेजा, उस पर्सन को, और उसके जस्ट 5 मिनट बाद मेरा मेरे अकाउंट पर मैसेज आया, ईमेल पर मैसेज आया कि योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल। और तब से मैं टेंशन में था, इसके कारण वीडियोस भी नहीं आया दो तीन दिन से हम इंस्टाग्राम के पीछे ही पड़े हैं। सो गाइस, मैं आपको ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि मेरा आईडी बंद हुआ, उसके लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा। मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो देखकर आप भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ कि आप कभी भी ऐसा काम ना करो जिसके वजह से मेरे जैसा आपको भी आईडी बैंड हो सके और आपका जो भी मेहनत हो बर्बाद हो सके। सो गाइस, इसके लिए आप पहले तो एक गाइडलाइंस है उसको पढ़ लीजिए, गूगल पर सर्च कीजिएगा इंस्टाग्राम गाइडलाइंस, उससे भी पता चल जाएगा, आप वहाँ पर भी देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर दे दिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ पर से देख लीजिए, ठीक है, उसका लिंक मैं भी दे दूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप हुआ कि कोई भी मैसेज आप, जैसे धमकी हो गया या फिर गाली गलौज हो गया या फिर कोई ऐसा वीडियो देख लेना नहीं हो, वो अगर आप फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो या फिर किसी अनदर पर्सन को, अपने फ्रेंड्स को भी मैसेज करते हो वीडियो के थ्रू, तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है जी हाँ। और ये चीज़ मेरे साथ नहीं, काफ़ी लोगों के साथ हुए, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे उनके साथ भी हुआ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको भी ऐसा हो, इसीलिए आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सतर्क रहो, और कोई भी अगर आपको ऐसा करने के लिए बोले तो आप डायरेक्ट उसको मना कर दो, क्योंकि उस समय वो लड़का आपको आपका आईडी खा जाएगा, समझे ना। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, और लेट्स सी, आप देखते हैं कि नया अकाउंट बनाना होगा, फिर से मेहनत करना होगा, करेंगे, उसको तो बैन करना था करवा दिया, और क्या करें, करना ही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया था, और सतर्क रहें, बस यही है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट तो आता ही रहेगा हम लोग आपको।